सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। उसमें आज की सुनो आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ड्यूल ऐप कैसे चलाएं या फिर फ्लिपकार्ट के आप दो अकाउंट एक फोन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो यही आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे अगर आप लोग को ड्यूल ऐप का फीचर यूज़ करना है या फिर मल्टीपल अकाउंट बोल सकते हैं आप लोग, तो आपके फोन में एक इनबिल्ट फीचर होना चाहिए। यहाँ पे सभी के फोन में फीचर नहीं होता, आप लोग चेक कर सकते हैं। आपके सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना आपको मोबाइल सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप लोग को सर्च करके देख लेना है। यहाँ पे ड्यूल ऐप या फिर मल्टीपल अकाउंट आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने फोन में सर्च किया है यहाँ पे ड्यूल ऐप्स। तो अगर आपके फोन में ड्यूल्स ऐप या फिर आप लोग मल्टीपल अकाउंट सर्च करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन है तभी आप लोग ड्यूल ऐप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन वाले में नहीं है मेरे पास, मेरे पास ड्यूल ऐप का फीचर है। तो यहाँ पे जो इनबिल्ट फीचर है मेरे फोन में ऑलरेडी आया, तो इसलिए मैं कोई भी अदर ऐप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं आता हूँ और फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी है और मैंने फ्लिपकार्ट को ड्यूल ऐप में बना के रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ड्यूल ऐप में। तो इस टाइप से आप लोग को फ्लिपकार्ट को अगर ड्यूल ऐप में बनाना है तो आप लोग को सिंपल सा इस जो ये स्विच वाला आइकन है इसको हमें ऑन रखना है। तो जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक और फ्लिपकार्ट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर ऐसा इस क्लोन टाइप का एक आइकन रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट के अंदर इनबिल्ट फीचर आया है यहाँ पे इस फोन के अंदर। तो ये सभी फोन्स में नहीं रहता, अगर आप ट्राई कर सकते हैं आपके फोन में फीचर है या नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे वो लोग ऐप क्लोनर या फिर कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर में बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएंगी जिसके अंदर आप लोग ड्यूल ऐप बना सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आप लोग को बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन वो सब सेफ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग को आए दिन सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड हो सकता है आपके अकाउंट में, मतलब आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ये मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे लोगों का अकाउंट बैन हो चुका है। मैंने आप लोग को बस ये बता दिया अगर आपके फोन में इनबिल्ट फीचर है आप लोग को जाना है ड्यूल ऐप के फंक्शन में और आपको जो भी ऐप यूज़ करना है उसका यहाँ पे ड्यूल ऐप ऑन कर देना है। ऑटोमेटिक एक और ऐप आपके फोन में क्रिएट हो जाएगा, आप दोनों अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। दोनों अकाउंट एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन वर्क नहीं करती। अब न्यू वर्जन के हिसाब से आपको सभी लोगों को पता है बस, लेकिन आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इसी टाइप से कर सकते हैं आपके फोन में इनबिल्ट फीचर। अगर आप लोग ऐप क्लोनर यूज़ करते हैं, अगर आपका अकाउंट आज बैन नहीं होगा कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, एक ना एक दिन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। जैसे ही फ्लिपकार्ट आपका अकाउंट ट्रैक कर लेते हैं कि आप लोग मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के हुए। तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप लोग सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टर नहीं चाहते हैं, मतलब अकाउंट बैन नहीं चाहते हैं, तो आप लोग ड्यूल ऐप इस अगर आपके फोन में इनबिल्ट है तभी यूज़ कीजिए, वरना आप लोग कोई भी ऐप क्लोनर या फिर कोई ना कोई ऐसे पैरेलल स्पेस टाइप का एप्लीकेशन यूज़ मत कीजिए फ्लिपकार्ट यूज़ करने के लिए। आप एक फोन में एक ही फ्लिपकार्ट यूज़ कीजिए, अगर ड्यूल ऐप है तो दो फ्लिपकार्ट रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट हो रहा था इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि आप लोग पहले की भी कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टर क्या होता है, अकाउंट बैन कैसे होता है, जिससे आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप लोग ये सब यूज़ करते हैं तो आप लोग का अकाउंट भी बैन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ है अगर आप लोग ड्यूल ऐप यूज़ करते हैं, मैंने खुद किया और यहाँ पे इनबिल्ट फीचर फोन ने दिया है तो फ्लिपकार्ट वाले भी कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे, अगर आपके फोन में फीचर ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस यही दस वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।